14 सितंबर से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है और ऐसे में मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले बीजेपी ने पार्टी के लिए व्हिप जारी किया है, जिसका मतलब ये होता है कि सभी को पार्टी लाइन के हिसाब से चलना होगा और सेशन के दौरान हाजिर रहना होगा। क्योंकि इस बीच में सरकार कई सारे महत्वपूर्ण बिल पास कराने की कोशिश में होगी, इसलिए सरकार की कोशिश यह है कि जो बिल सरकार टेबल करना चाहती है, जिन प्रस्तावों को सरकार लाना चाहती है, उसमें सरकार को कामयाबी मिले, इसलिए अपनी पार्टी के लिए व्हिप जारी किया है। यानी कि सभी सांसदों की मौजूदगी होगी पार्लियामेंट के अंदर, दोनों सदनों के अंदर। चूंकि 14 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और इस बीच में राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव भी होना है, जिसमें एक बार फिर से एनडीए के ही उम्मीदवार हैं। रुख अपने सहयोगी की तरफ करेंगे, हमारे साथ में अमित इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से व्हिप जारी कर दिया है, 14 सितंबर से सेशन शुरू हो रहा है और इसी बीच में राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव भी होना है, क्या स्थिति दिख रही है? क्योंकि बिल पारित कराना, कई सारे ऐसे बिल्स हैं जिसको लेकर के सरकार इस वक्त कोशिश में होगी। जी बिल्कुल, देखिए सरकार पहले ही इस बात को दिखा चुकी है कि कितने कई ऐसे बिल थे जिनमें तमाम दल विरोध कर रहे थे, ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में किस तरह सरकार ने पास कराया। तो सरकार बिलों को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं है, लेकिन उपसभापति को चुनाव भी होना है और यही बड़ी वजह है कि यहाँ पे सभी राज्यसभा सांसदों को बीजेपी ने व्हिप जारी किया है और उन्हें उपस्थित रहने कहा गया है। 14 तारीख से जब सेशन स्टार्ट होगा तो 1 अक्टूबर तक सेशन चलेगा और इस बार सेशन की खास बात कि सैटरडे और संडे जो वीकली ऑफ होता था, इस बार वीकली ऑफ नहीं है, कंटिन्यू संसद चलेगी। और जो टाइमिंग है कि मॉर्निंग में लोकसभा और इवनिंग में राज्यसभा, इस तरह के जो प्रस्ताव है वो उसी प्रस्ताव पे आधारित चलेगी। दूसरा, ये लोकसभा अध्यक्ष ने पहले ही कहा था कि जितने भी सांसद होंगे या जो उनके साथ सिक्योरिटी या जो अन्य पीएपीएस हैं, हर एक का कोरोना टेस्ट अनिवार्य है। बाकायदा यहाँ पे लैब बनाई गई, उस लैब में टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रिसेंटली हालांकि जो सांसद कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, लेकिन कल से सांसदों के ही टेस्ट होंगे और जो तमाम स्टाफ अंदर जा सकता था उन्हें अब जाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ कोरोना काल में जो सारी गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर के, उसका पालन तो होना जरूरी है और होना ही होगा ही। लेकिन इस बीच में इस बार राज्यसभा के उपसभापति चुनाव को लेकर, पिछली बार तो निर्विरोध हो गए थे, लेकिन इस बार चूंकि राज्यसभा में बहुमत करीब करीब बीजेपी या एनडीए की, एक तरीके से बहुमत ही देखा जाए, तो माना जा रहा है कि कोई मुश्किल नहीं आएगी जदयू के या एनडीए के उस नेता के प्रत्याशी के सामने। जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा में बात करें तो बीजेपी अब लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है, पहले बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, बीजेपी के साथ जो एनडीए है तो बहुमत जाहिर तौर पर उनके पास है। और ऐसे में जब बीजेपी जो नाम सुझाती है तो अमूमन उनकी कोशिश होती है कि सर्वसम्मत से ही निर्णय ले लिया जाए, और यहाँ भी यही उम्मीद है कि राज्यसभा में जो उपसभापति का चुनाव होगा तो हो सकता है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति हो कि सारी चीज़ें जो है वो सर्वसम्मत से पास कर ली जाए। बहुत सारे बिल है, चूंकि इस बार क्वेश्चन आवर नहीं है और बहुत सारे बिल है, बहुत तमाम सब्जेक्ट है जिन्हें सरकार इसी सत्र में हर हाल में पास कराना चाहती है। जिस तरह सत्र बुलाया गया, सत्र बुलाना सरकार की मजबूरी थी क्योंकि 6 महीने के अंदर जो है संविधान के अकॉर्डिंग सत्र बुलाना होता है और ये टाइम जो है वो सितंबर में पूरा हो रहा है। तो जाहिर तौर पे अब न सिर्फ सत्र बुलाना बल्कि सत्र के दौरान जरूरी बिल पास कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। जी, और ऐसे में जबकि जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा के सांसद हरिवंश एक बार फिर से उपसभापति के लिए, जाहिर तौर पर जो पूरी फॉर्मेलिटीज है पर्चा भरने की, चुनाव क्या पहले ही दिन होना है 14 सितंबर को जब शुरुआत होनी? देखिए फिलहाल व्हिप जारी कर दिया गया है, जो उपराष्ट्रपति हैं, जो सभापति होते हैं वो इस बात को तय करेंगे और राज्यसभा की कमेटी के जो मेंबर है वो इस चीज़ को तय करेंगे कि चुनाव पहले दिन होगा या दूसरे दिन होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है वो पूरी तरह तैयार है और यही वजह है कि व्हिप जारी किया गया है। और चूंकि एनडीए समर्थित उपसभापति के प्रत्याशी है तो जेडीयू के, तो यही बड़ी वजह है कि अन्य जो दल है
उनसे भी एक बार गुजारिश की जाएगी, जेडीयू की तरफ से भी की जाएगी कि वो समर्थन दे सके। हालांकि तमाम दल जानते हैं जो समर्थन नहीं देंगे, लेकिन ऐसे में उनका अगर बहुमत नहीं होगा तो वो दल भी पीछे हट जाते हैं। जिस वजह से मुझे ब्रेक पे जाना है, क्या विपक्ष की तरफ से भी उपसभापति के लिए कोई पर्चा भरा जाएगा? देखिए, रिसेंटली जो है रणनीति बनाई जा रही है, सारी चीजें जो है कैमरे के पीछे के पार्लियामेंट के अंदर रणनीति बन रही है, क्योंकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है, और ऐसे में जब बहुमत बहुत कम होता है तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस संघर्ष में नहीं कूदना चाहता है कि और इसलिए अभी रणनीति के स्तर पर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आबेद, तमाम जानकारी के लिए।